वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। फ्रेंड्स, आज जुम्मे का दिन है और आज है 12 रबीउल अव्वल भी। अभी मैं जुम्मा पढ़ने जा रहा था तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ कि मेरी तरफ़ से सबको 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आपको जुम्मा पढ़ के जो सलाम पढ़ते हैं मस्जिद में उसकी भी वीडियो बना के दिखाऊँगा। और जो हमारे घर के पास मदनी मरकज़ है, सबसे बड़ा जुलूस सरगोदा का यहाँ पर आता है, उसकी वीडियो भी बना के दिखाऊँगा। और जितनी मस्जिदों में लाइटें वगैरह लगी हुई हैं और जो न्याज वगैरह जो दे रहे हैं हम भी जो देंगे वो भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ, ठीक है? फ्रेंड्स, तो मैं मस्जिद आ गया हूँ और मैं अब जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ, तो जुम्मा पढ़ने के बाद सलाम की वीडियो बना के लेकर वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं जुम्मा भी पढ़ लिया और सलाम भी पढ़ लिया, आज माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल है, ईद मिलाद नबी का दिन है, सब बहुत शौक़ से बना रहे हैं खुशियाँ। और आज के दिन को बहुत अच्छी कोई स्पेशल चीज़ बनानी चाहिए, तो आज मैंने अम्मी को कहा कि आज हम बनाएंगे पुलाव बीफ के गोश्त की। और अम्मी ने कहा मैं अपने लिए बनाऊँगी करेले गोश्त। तो मैं अभी उन्हीं अंकल के पास जा रहा था जिनसे पहले मैंने गोश्त लेकर आया था, जिनका मैंने गाना सुनाया था, आज उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अच्छी सी नाच सुनाएँ। तो अभी मैं गोश्त लेने जा रहा हूँ और फिर सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ, जो भी चीज़ें लेने जा रहा हूँ सब दिखाता हूँ आपको। और आज मौसम भी देखा कितना प्यारा हो गया, ये देखें माशाल्लाह बादल आ रहे हैं, आज जैसे लग रहा है शाम तक बारिश आ जाएगी। आज माशाल्लाह इतना प्यारा दिन है और साथ मौसम भी इतना प्यारा हो गया है। तो आज हम पुलाव बनाएँगे और कीमा गोश्त बनाएँगे करेलों के साथ, और फिर अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि मैं कैसे ले रहा हूँ, ठीक है? जी फ्रेंड्स, तो मैं इधर इनके पास आज गोश्त लेने आया हूँ, तो आज तो अंकल जी आए ही नहीं है, ये देखें इनकी दुकान ही बंद पड़ी है। अब मैं अम्मी को कॉल करके पूछता हूँ कि बड़ा गोश्त तो नहीं मिलेगा, चिकन कहती हैं तो मैं वही ले आता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो फिर बड़ा गोश्त तो दुकान बंद थी, तो मैं फिर आपको पता वहाँ से वापस आ गया। अभी मैंने चिकन ले लिया, ये देखें ये टंगा हुआ है, चिकन की दुकान से बाहर खड़ा हूँ। अब मैं सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ तो फिर आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। और सुनाओ, आ रहे सेल में नहीं करेंगे? लहसुन अदरक भी दे देना 100 का दोनों जी। अदरक नहीं है? अदरक कौन है भाई? अदरक नहीं है। और तो क्या बचा? आप फाड़े आ रहे हैं, मिर्चे धनिया डाल दो। जी फ्रेंड्स, तो बाकी सारी चीज़ें मैं ले आया हूँ, चिकन सब्ज़ी और ये सूजी भी ली है, आज हलवा बनाएंगे अम्मी। तो अभी बाकी जो चीज़ें मैं आपको फिर बाद में दिखाता हूँ, अभी मैं अंदर जाने लगा। जी गाइस, तो ये देखिए हमारे घर के पास से सबसे बड़ा जलूस गुजर रहा है और आज इसका 12 रबीउल अव्वल का।
तो ये हमारे मोहल्ले में मस्जिद है, माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी सजी हुई है। सदीक अकबर मस्जिद नाम है और ये हमारे बिल्कुल घर के पास है, पैदल भी यानी आ सकते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ सारी मस्जिद। ये मस्जिद का मीनार है। ये देखिए माशाल्लाह, अभी मगरिब की नमाज हुई है। ये जश्न ईद मिलाद नबी लिखा हुआ। ये देखें गाइस, ये घर भी सजे हुए हैं मस्जिद के सामने ही। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें, अब नियाज जो मैंने आपको दिखाई थी ना बन रही थी, ये वो वाले चावल हैं, जरदा और पुलाव। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि माशाल्लाह आज बहुत प्यारा दिन था ईद मिलाद नबी का, आपको मैंने जुलूस भी दिखाया, लाइटिंग भी दिखाई, और अभी मैं नियाज भी बन गई है, वो भी मैं अब खाने लगाऊँ, मैं आपको बताता हूँ कैसी बनी है। जरदा और पुलाव बना है। माशाल्लाह बहुत मज़े का। तो अब आप भी ज़रूर उस तरह नियाज बनाएँ, बनाएँ लोगों को बांटे, ठीक है। आज की वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे कल वाली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।